वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। एक मदरबोर्ड आया है हमारे पास, ये मदरबोर्ड बाहर से हमें रिसीव हुआ है और इसमें एसओसी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसमें एसओसी पर क्या होगा, कैसे किस तरह से क्या दिक्कत कर रही है। तो आइए देखते हैं इसको हम, और इसमें हम इसको ट्रबल शूट करते हैं। है एसओसी, अब अगर ये चिप अवेलेबल होगी तो हम इसको बदल भी देंगे। अभी तो मैं आपको चेक करके दिखा दूँ, तो देखिए किस तरह से चेक होता है। सबसे पहले एसओसी के पास जो कॉइलें लगी हुई हैं, जो कॉइलें हैं ये बेसिकली 00 पे नहीं जाए भाई, सही रखो यार सीधा। एसओसी के पास की जितनी कॉइलें हैं तो वो 00 पर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर अगर 0 पे जा रही है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने चेक किया, इसको ट्रेस कर लिया मैंने इस मदरबोर्ड को, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये कॉइलें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो ब्लैक होता है उसको रखना होता है कॉइल पे, तो ब्लैक को हमेशा रखिए कॉइल पे इस तरह से। जैसे ये इसके पास की कॉइल लगी हुई तो इसको मैंने यहाँ पे रख लेना है, और जो आपका ये है रेड, इसको आपको कहाँ रखना है, ग्राउंड पे, कहीं भी आप ग्राउंड पे रखिए। और मल्टीमीटर पे फिर उसकी स्थिति देखिए, मल्टीमीटर पे कंसंट्रेट करो, मल्टीमीटर पर फिर देखिए अगर वो ज़ीरो दिखा रहा है, अगर वो ज़ीरो दिखा रहा है तो मान के चलिएगा क्या है कि वो कॉइल क्या कर रही है। देखिए यहाँ पर ये 2 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर भी ये 2 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज़रूर क्या है दिक्कत वाला मामला है कि ये 2-2 क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है कि जो पास की कॉइल है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 2 के आसपास इसमें या 1 के आसपास इसमें वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो अब मैं एकदम पास की कॉइल चेक करा देता हूँ किसी भी रखने। तो अब आप देखिए एकदम पास की कॉइल में भी क्या दे रहा है वैल्यू, ये आपका 1 और 2 ही आ रहा है। तो ये एक मसला है, ये एक प्रॉब्लम है। देखिए इन कॉइलों पर भी क्या हो रही है, दिखाओ इन कॉइलों को थोड़ा सा बोले, इन कॉइलों पर भी क्या हो रहा है, 1-2-1 के आसपास ही क्या हो रहा है वैल्यू आ रही है। तो कभी भी चेक करते समय आप ये देखिए ये जो रेड है इसको हमेशा आप ग्राउंड पे रखना होता है, और जो कॉइल होती है उस पर आपको चेक करना होता है। तो ये देखिए एसओसी के आसपास मैंने आपको ये कॉइलें चेक कराई, तो 1-1 जा रही है। इसके अलावा हम और कॉइलों को चेक करा के आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन कॉइलों की क्या स्थिति और क्या होना चाहिए। आजकल की एसओसी में अगर 5-8 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है तो हम उसको ओके माने, क्योंकि लेटेस्ट में क्या होता है दिक्कत नहीं होती, लेकिन पुरानों में दिक्कत ज़रूर होती है। तो देखिए यहाँ पर एक और कॉइल को मैं चेक करता हूँ, और इसको रखूँ कॉइल पे रखूँ, अब ये देखिए कॉइल पे रख रहा हूँ मैं, तो ये हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रही है 4, और यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रही है 4-4। तो थोड़ा सा अभी ये सस्पेक्टेड है क्योंकि एसओसी तो है गड़बड़, और इसके आसपास की कॉइल पे ही 4 के आसपास आ रहा है। मैं कुछ और कॉइलें आपको चेक कराता हूँ, तो इधर लो अब और देखिए और कॉइलें, ये देखिए ये कॉइल पर आपको इस कॉइल पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और दूसरी कॉइल पे चेक करते हैं, ये देखिए ये आ गई 4-4-5, ये देखिए ये 9-10 9-10 8-6 8-6 है, ये देखिए 8-7 है। इसको भी हम ठीक की गिनती में गिनेंगे, और देखिए अगली कॉइल चेक कराता हूँ मैं आपको, ये देखिए अच्छा खासा इम्पीडेंस दिखा रही है जी आर, अब ये देखिए यहाँ पर भी ठीक दिखा रही है। और इस तरह से आप जितनी भी कॉइलें लगी होती हैं, तो सबसे पहले जो एसओसी सेक्शन होता है, अगर ये 0-1-2 0-1-2 जा रही, तो एसओसी को हम बहुत कुछ क्या मान लेते हैं कि प्रॉब्लम में है एसओसी। इसके अलावा बाकी कोई कॉइलें जो होती हैं वो बीप नहीं करना चाहिए, कम से कम 10-12 10-12 15-20 30 के आसपास क्या रहना चाहिए। आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीमीटर पर वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका किस तरह से मल्टीमीटर में आपको इन सारी चीज़ों को चेक करना है। इसके अलावा इस बोर्ड में देखिए आपका ये फिर आपका जो आरटीसी सेक्शन, अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एसओसी में पहले चेक कर चुका हूँ, ठीक था, पर एसओसी में यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है कि सारी कहानी यहीं पर इन कॉइलों के कारण क्या हो रही, ख़राब हो रही। अब हम इसका देखते हैं कि एसओसी चिप अवेलेबल है तो इसको हम बदल देंगे, और कस्टमर को हम अगर खर्चा एक्सेप्ट करेगा तो बदल देंगे, अदरवाइज़ इसको क्या कहेंगे हम मना कर देंगे। इसके अलावा मदरबोर्ड में और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि जैसे ये देखिए यहाँ पर बायोस बैटरी है, यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं,
वोल्ट इन सेक्शन में हमें जाना होता है, तो वोल्ट इन सेक्शन पे भी हमें क्या होता है कि हमारी जो कॉइलें होती हैं वो किसी भी कीमत पर क्या नहीं होनी चाहिए, बीप नहीं करनी चाहिए। तो कॉइलें अगर बीप कर रही हैं तो फिर क्या है, वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ, ये देखिए ये प्रॉपर दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों तरफ से चाहें तो चेक कर लें, देखिए कोई बीप नहीं है। अगर ये कॉइलें यहीं पर जो चार्जिंग सेक्शन वोल्ट इन सेक्शन अगर बीप देती हैं तो क्या है, फिर दिक्कत का मामला है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, और देखिए इस पर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, वैल्यू आ रही है, ये देखिए वैल्यू आ रही है, ये थोड़ा सा ये भी वैल्यू आ रही होगी, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बीप दे रही है ये वाली, ठीक है। तो लेकिन 10-15 से नीचे ही है, ऊपर ही है। तो इस तरह से आपको सारी कॉइलें चेक करना होता है, वोल्ट इन सेक्शन से आपको चालू होना होता है, चार्जिंग आईसी 3-5 IC, और जब ऑन, अभी मैं लैपटॉप का ऑफलाइन ऑनलाइन सारा जब ये टेस्ट करूँगा, हॉट टेस्ट और कूल टेस्ट, तो उसमें सारी चीज़ें आपको और क्लियर कराऊँगा कि रैम सेक्शन कहाँ है। अब देखिए ये लगी है रोम, तो रोम पर भी हमें क्या होता है, जो हमारी 8 नंबर की पिन होती है, थोड़ा ऊपर लेना, जो रोम की 8 नंबर की पिन होती है वो क्या होती है, ग्राउंड होती है, हठात सॉरी 4 नंबर क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो अगर ये रोम है तो 4 नंबर ये क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको चेक करना आना चाहिए, ये देखिए ग्राउंड है, ये बीप दे रही है, ये आपकी रोम आईसी है, 8 नंबर 4 नंबर ग्राउंड है, और 8 नंबर इसमें बीप नहीं आना चाहिए। 8 नंबर क्या आना चाहिए, ज़रूर इसमें इस तरह से इसमें वैल्यू आना चाहिए, देखिए 8 नंबर पर वैल्यू आ रही है, प्रॉपर इसका GR दिख रहा है। अब आपका 1 नंबर देखिए, 1 नंबर पर भी GR आना चाहिए, ये देखिए आ रहा है, 2 पे भी GR आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इम्पिडेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ज़रूर दिख रहा है। तो ये देखिए दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो सब पे दिख रहा है, लेकिन जो आपका जो ग्राउंड है वो देखिए वो क्या हो जाएगा, ये 0, 1, 2, 3 पे चला जाएगा, बाकी सब पर। जैसे यहाँ पर 4 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर राइट प्रोटेक्ट, देखिए राइट प्रोटेक्ट पे भी दिखा रहा है। राइट प्रोटेक्ट का कंसेप्ट ये है, राइट प्रोटेक्ट का कंसेप्ट ये है कि आजकल की रोम में अगर आपने पासवर्ड डाल दिया तो उसका पासवर्ड बायोस बैटरी हटाने से उड़ने वाला नहीं है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इन पे जो इसका इम्पिडेंस GR जिसको कहते हैं वो यहाँ पर दिखना चाहिए। इसके अलावा जो 8 नंबर जो 4 नंबर है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड आप देखिए 0 देगा, और 8 नंबर पर अगर इम्पिडेंस नहीं आ रहा और अगर वो बीप दे रहा है या 10, 11, 12 पे जा रहा है, तो ये समझ के चलिएगा कि आपका 8 नंबर ट्रबल में है, इसको आपको ट्रबल शूट करना होगा। इसके अलावा ये रोम की चेकिंग के बाद आपको जो आगे लैपटॉप पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, कि आज तो खैर ये लैपटॉप रिपेयर होने आया था, ये मदरबोर्ड, तो इसकी एक प्रॉब्लम मिली थी तो मैंने वीडियो डाल दिया। इसके अलावा मैं इसको कूल टेस्ट कैसे करना है, हॉट टेस्ट में पावर सप्लाई देके कैसे करना है, 19 वोल्ट कहाँ कहाँ बनने हैं, इसके अलावा LDO वोल्टेजेस कहाँ कहाँ बनने हैं, रन वोल्ट कहाँ कहाँ आएगा, सस वोल्ट कहाँ कहाँ आएगा, PLT रीसेट कहाँ आएगा, RMRST रैम रीसेट कहाँ बनेगा, इसके अलावा SLP3 SLP4 SLP5 के जो सिग्नल्स हैं वोल्टेज लेवल पर कैसे चेक होंगे, इसके अलावा उसको DSO पे कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें कराऊंगा। नेटवर्क सेक्शन है, साउंड सेक्शन है, सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड पर मैं आपको लैपटॉप के मदरबोर्डों पे i3 i5 i7 i9 जो जनरेशन है जनरेशन वाइज सारी चीज़ें कराऊंगा। तो ये मदरबोर्ड पर आपका एक वीडियो था, जो मुझे आज एक मदरबोर्ड रिपेयर होने आया था, जिसको हमने आज ये रिपेयरिंग के लिए लिया था। इसका पार्ट नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें देख लीजिए आप। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं, ये लिनोवो का है और इसको हमने रिपेयर करना है, तो इसको अगर कस्टमर यहाँ से SOC के लिए मानता है तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ ये बोर्ड क्या होगा, रिपेयर नहीं होगा। अगर कस्टमर चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम इसको ज़रूर रिपेयर करके उसको दे देंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको समय आने पर क्या करूँगा, सारी चीज़ें जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि यहाँ पर चार्जिंग IC कौन सी है, लैन IC कौन सी है, साउंड IC कौन सी है, इसके अलावा SOC क्या है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्डों को हमें आगे देखना है, PCH वालों को देखना है, SOC वालों को देखना है, एक एक करके हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, रोम की एडिटिंग क्या है, इसमें आपका PCH सेक्शन क्या होता है रोम में, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर